यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बदलते समय के साथ एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की कार्यप्रणाली में बड़े सुधार और बड़े बदलाव की जरूरत है। प्रदेश में जिस तरह से आर्थिक अपराध के मामले बढ़े हैं, उसे रोकने के लिए यूपी में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया जाना बेहद ही जरूरी है। इसके साथ ही जांच एजेंसियों को लंबे समय से पेंडिंग मामलों की जांच तय समय से पूरी करने के निर्देश के साथ सीबीसीआईडी को देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई और अन्य एजेंसियों से बेहतर तालमेल बनाए रखने की भी बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। यानी जिस तरीके से नेशनल लेवल पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया यानी भारतीय वित्तीय खुफिया इकाई काम करती है, ठीक उसी तरह से यूपी में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट आने वाले दिनों में काम करेगी। भारतीय वित्तीय खुफिया इकाई भारत सरकार की केंद्रीय एजेंसी है जो देश के मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के अनुसार वित्तीय जानकारी हासिल करती है और प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करके मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कामों को रोकने और उन्हें जानने का प्रयास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर करती है। वित्त मंत्रालय के तहत तीन लेन देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। ये एजेंसी नगद लेन देन रिपोर्ट यानी कि CTR, संदिग्ध लेन देन रिपोर्ट यानी कि STR और क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट जानने के लिए ऑथोराइज्ड है। देखा जाए तो नेशनल लेवल पर आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED और CBI, जबकि CBCID की भी भूमिका इसमें काफी महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा जिन राज्यों में आर्थिक अपराध की जांच करने वाली कोई एजेंसी नहीं होती है, वहां पर पुलिस ऐसे मामलों की जांच करती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली जैसे राज्यों में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट बनी हुई है, वहां इसे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कहते हैं, जो कि 1 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी या फिर हेराफेरी के मामलों की जांच करती है। चलते चलते आपको ये बताएं कि आर्थिक अपराध क्या होता है। तो आर्थिक अपराध का मतलब ऐसे सभी मामलों से होता है जिसका गलत असर राज्य के राजस्व और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऐसे मामलों में धोखाधड़ी, जालसाजी, कपट और करों व उत्पाद शुल्क को न देना भी इसमें शामिल होता है। इसके अलावा बौद्धिक संपदा अधिकार को चुराना और अर्थ से जुड़े साइबर अपराधों को इसमें रखा जाता है। एक जो सबसे बड़ी समस्या राज्यों को आर्थिक अपराध के मामले में महसूस हो रही है और जिसके कारण फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट बनाने पर राज्य विचार कर रहे हैं, उसमें बात यह है कि आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन को सौंपी गई जांचों और इस तरह के मामलों में काफी समय लग जाता है और आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन द्वारा समय से जांच न होने के कारण जो दोषी होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती है। यूपी गवर्नमेंट के इस फैसले पर आपकी राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही यूपी से जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।